तो दोस्तों हम देख सकते हो मर्सिडीज बेंज एएमजी G63 एसयूवी आ गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकला मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मर्सिडीज बेंज एएमजी G63 एसयूवी का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एसयूवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपनएवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपनएवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपनएवी को इंस्टॉल करने के बाद इस एसयूवी मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एसयूवी मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एड ऑन का फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTF5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTF5 मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए, उसके बाद HTC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने बाद यहाँ 22G63 का फोल्डर दिख रहा है ना, उस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद फिर से एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का एक जैसा कमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स 22G63 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मार्स में जाइए, उसके बाद अपडेट .rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस SUV को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस SUV का मॉडल नेम आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, 22G63। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो मर्सिडीज बेंज एएमजी G63 एसयूवी आ गई है। ये आप देख सकते हो इसका इंटीरियर। AMG की बैजिंग, मर्सिडीज का लोगो, G63 की बैजिंग।
मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको एक्स्ट्राज भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।